रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। आज हम बात करने जा रहे हैं लूप का अगला लास्ट पार्ट जो कि है डू लूप। हमने आपको शुरुआत में बताया था कि लूप बेसिकली दो तरह के होते हैं, फॉर लूप एंड डू लूप। तो फॉर लूप में एक था जिसमें हमने फोर आई इक्वल टू वन टू टेन फाइव इस तरह से किया था स्टार्टिंग एंडिंग। दूसरा आता है हमारा फोर इच लूप जो कि लास्ट क्लास में हमने फोर इच को भी पढ़ा था। और मेरे हिसाब से फोर आई और फोर इच दोनों आपको समझ में आ चुका है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो और ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। अब बात करते हैं डू वाइल एंड डू लूप के बारे में। डू वाइल एंड डू अनटिल, सॉरी डू लूप है अनटिल। सबसे पहले समझिए कि डू लूप का वाइल अनटिल दोनों एक तरह से काम करते हैं, बस अपोजिट कंडीशन लेते हैं। डू वाइल लूप का या डू लूप का यूज क्यों होता है? डू लूप का यूज तब होता है जब आपको ये पता है कि मुझे जो रिपीटेशन करनी है उसमें हमारा कोई स्टार्टिंग एंडिंग किसी तरह का काउंट फिक्स नहीं है, बट एक कंडीशन है, समझे? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने यहां पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, मुझे बस ये चेक करने करवाना है कि भाई ए कॉलन ए में जब तक वैल्यू मिल रही है बी में ओके लिखता जाए। हालांकि इसको हम लोग फोर लूप फोर इससे भी कर सकते हैं, लेकिन फोर को फिलहाल भूल जाइए। मुझे यहां ओके टाइप करना है कहां तक, जहां तक हमारी वैल्यू है ए कॉलन। क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर है सर? हाँ जी। तो यहां पे क्या है कि हमारा कंडीशन है, हमारा क्या है कंडीशन है, किसी तरह की काउंट नहीं है हमारे पास कि हाँ 10 बार चलाना है 20 बार चलाना है या 50 बार चलाना है या जितना ऑब्जेक्ट है उसको काउंट करके उतना बार चलाओ। सो इसलिए यहां पे हम फोर लूप का यूज ना करेंगे, हम करेंगे डू वाइल या डू अनटिल लूप के बारे में। ठीक है? हाँ जी। अब यहां पे हम लिखते हैं सॉरी डिम आर एज ए लॉन्ग, ये लॉन्ग में क्या आ गया, लोड पिक्चर क्यों आ गया, लॉन्ग और आर इक्वल टू हम यहां वन दे देते हैं। उसके बाद यहां बोलते हैं कि डू वाई यहां पे रेंज ए के साथ हमने आर को किया क्योंकि इसका भी काउंटर होता नहीं है ना, डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो तो क्या हो रेंज ए के साथ हमने आर को लॉक किया बट वैल्यू नहीं ए नहीं होगा बी ना होगा हमारा बी पे हमें ओके लिखना है ना बी इक्वल टू ओके और यहां पे हम आर इक्वल टू आर प्लस वन कर दिया और लूप कर दिया। अब इसको समझिए मैम, हमने यहां पे मैनुअली यहां पे वन क्यों दिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आर जीरो होता है ना, तो यहां पे ए जीरो नाम का कोई तो रेंज होता नहीं है, एरर आ जाएगा ना। तो हमने बोला कि डू वाइल रेंज r dot value is not equal to zero, then ये हमारा ओके लिखता चला जाए। अब मैं इसको एफेट यूज करके आपको बताता हूं कि कैसे वर्क कर रहा है। देखा इसने ओके लिख दिया फिर चेक किया, बोला कि भाई r 2 आ गया यहाँ पे 2 आ गया 1 प्लस एड कर दिया नीचे ने इसको प्लस 1 कर दिया ना यहाँ पे ओके तो यहाँ पे क्या हो गया फिर ओके आ रहा, समझ में आया सर? Okay, तो इसमें हमने R में प्लस वन नीचे किया है। हाँ नीचे किया है क्योंकि हमें कहने मतलब है कि ऊपर कर देंगे तो यहाँ पे कर देंगे तो फिर क्या होगा, ए आपका आर वन ए वन को तो रीड ही नहीं करेगा ना, फिर ए टू ए थ्री ए फोर को रीड करेगा ना, बात समझे? क्योंकि पहले वो कंडीशन चेक करेगा देन प्रिंट करेगा ना, जब कंडीशन चेक फर्स्ट टाइम जब कंडीशन चेक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा आर इक्वल टू वन हो जाएगा,
ठीक है, तो वन को चेक करेगा लेकिन वैल्यू के यहां पे अगर मैं आर इक्वल टू आर प्लस वन कर दिया यहां पे क्या दिक्कत हो जाएगी कि वो वन को चेक करेगा और टू पे वैल्यू डालेगा, ठीक है ना, इसलिए हमने नीचे ऐड करवाया इसको कि ये वैल्यू डाल दो फिर ऐड करो फिर चेक करो, वैल्यू डालो ऐड करो फिर चेक करो, समझे? ओके, तो ये आपका देखिए यहां पे कंप्लीट हो गया। तो आपका डू वाइल कैसे परफॉर्म करता है, कैसे फंक्शन करता है, समझ में आया? डू से स्टार्ट होगा, वाइल होगा, कंडीशन दीजिए, अपना रेंज, अपना जो भी जो प्रोसीजर करना है, जो काम करना है वो काम दीजिए, लास्ट में लूप लिख दीजिए। मतलब डू और लूप के बीच की जो चीजें हैं वो बार बार रिपीट होगी और इस कंडीशंस के ऊपर, समझे? अब चलिए, अब इसमें हम दूसरा डू अंटिल लूप के बारे में देखते हैं। जैसे हमने बताया कि डू वाइल लूप या डू अंटिल लूप दोनों सेम तरीके से फंक्शन करते हैं। अब यहां पे मैंने क्या किया, डू वाइल के जगह पे अनटिल कर दिया, तो क्या रन करेगा? नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्योंकि नहीं किया क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट चलते हैं। अब देखिए आपका रन करेगा, तो यहां पे क्या हुआ, हमने बोला कि नॉट इक्वल टू जीरो हो तब चले, और जब अनटिल लगेगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल जीरो हो तो तब तक चलता रहे, तब तक मैं इक्वल, माफ कीजिएगा, एक क्या है कि नॉट इक्वल जीरो होने पे क्या होता है, ये परफॉर्म करता है, और यहां पे इक्वल जीरो होने पे आउट होता है, एग्जिट होता है। मतलब कि यहां जब तक जीरो, देखिए सिंपल, इसकी वैल्यू जीरो ना हो तब तक चल, हाँ, मतलब कि व्हाइल क्या करता है, एंट्रेंस लेता है और एक क्या लेता है, एग्जिट लेता है। ओके, समझ गए, ये आपका एंट्रेंस लेता है, ये आपका एग्जिट लेता है, दोनों में बस इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। तो हम दोनों ही यूज कर सकते हैं, मतलब आपके कंडीशंस की, हाँ जी, कंडीशन चेंज करके दोनों ही जी। अब इसमें अगला जो टॉपिक आता है, अब इसका यूज कहाँ होता है, क्योंकि अभी जो ये बताया आपको एग्जांपल, दिस इज द बेस्ट है, क्योंकि इसको तो इजीली फोर लूप से कर सकते थे ना। हाँ जी, हाँ। अब कुछ ऐसे एग्जांपल है जो कि फोर लूप से हो ही नहीं सकता, उसके लिए आपको डू व्हाइल लूप ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए ऐसे कुछ एग्जांपल हम आपको बताते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है यहाँ पे सब डू, हमने थ्री नंबर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला एक वेरिएबल लेता हूँ कि डिम एस एज ए नेम, और s इक्वल टू हमने बोला इनपुट बॉक्स, हम यहां बोल रहे हैं कि एंटर नेम, क्या किया हमने, एंटर नेम। अब जैसे भी इस ब्लड इसको रन करेंगे तो एक मिनट, s इनवैलिड प्रॉपर्टी, ओके सॉरी, s एज ए नेम नहीं होगा, स्ट्रिंग होगा, क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतनी गलतियां क्यों कर रहा हूं मैं, तो यहां पर नेम हुआ। अब जैसे कि अभी यूजर इसमें वैल्यू डाले ना डाले कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकता है, क्योंकि अभी इसमें कुछ ऐसा चीजें नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। मैं चाहता हूं कि नीचे का जो कोड हमारा, जैसे मान लें कि नेम डालने के बाद हम इसमें एक पिवट लगाना है, तो पिवट में हमने कंडीशन दे रखा है नेम का, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई बंदे रन करते हैं और नेम पे कुछ नहीं डालते हैं, जाके पिवट टेबल मेरा एरर दे देता है। तो मैं चाहता हूं कि नेम डालना जरूरी है, या फिर पासवर्ड मान लीजिए कि आपको किसी एक बैकग्राउंड को रन करने के लिए सबसे पहले पासवर्ड देना होगा, जब तक वो पासवर्ड ना दे तब तक ना वीवीए कुछ भी प्रोसीजर को आगे ही ना बढ़ने दे, ना कैंसिल हो ना ओके हो कुछ भी हो, एक जब तक सही इनपुट ना मिले, बात समझे? जैसे कि मैंने मान लीजिए कि इसको ओके कर दिया, ओके किया ना, तो हमने कुछ नहीं डाला था, तो फिर अगेन वापस ही आ जाए, समझे? मैं यहां कैंसिल कर दिया तो फिर अगेन वापस आ जाए, मैं तब तक ही आता रहे जब तक कि हम इसके अंदर कुछ टाइप ना कर दे, या फिर करेक्ट वैल्यू टाइप ना कर, तब तक ये आपका इनपुट बॉक्स पॉपअप होता रहे, और जब तक इनपुट पॉपअप रहेगा हम एक्सेल के बाकी चीजों पे कुछ कर ही नहीं सकते ना,
ओके, हम जैसे ही इसमें नाम देंगे फिर कैसे जाएंगे, कोई हाँ जैसे नाम हाँ कोई देंगे? हमने कोई मैंने कोई करेक्ट वैल्यू जब तक यहाँ नहीं डालेंगे तब तक मेरा इनपुट बॉक्स का पॉपअप यहाँ से हटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर हमने मैंने ओके ब्लैंक डाल के ओके कर दिया या फिर कैंसिल कर दिया या रॉन्ग वैल्यू डाल के ओके कर दिया तो फिर वापस वापस फिर अपीयर हो जाए। जैसे पासवर्ड में होता है ना कि आप पासवर्ड डालते हो, जैसे आपने पासवर्ड गलत किया तो फिर वापस वही लॉगिन बॉक्स आ जाता है ना, हाँ जी, हाँ जी, सेम उसी तरह से। अब यहां भी प्रॉब्लम है कि हम लूप नहीं लगा सकते, फोर लूप, क्यों? क्योंकि हमें आइडिया नहीं है कि यूजर कितना बार गलत डालेगा, क्या हाँ जी, कितना बार वो गलत वैल्यू डालेगा ये हमें पता नहीं है। तो हमें पास कंडीशन है कि जब तक वो करेक्ट वैल्यू ना डाले तब तक इनपुट बॉक्स अपीयर होता रहे, मतलब कि इनपुट बॉक्स, इनपुट जो बॉक्स है हमारा, इनपुट बॉक्स पे डालने का जो ये है प्रक्रिया है, डालने का जो कोड है, ये कोड को तब तक रन करना है जब तक कि करेक्ट वैल्यू एस पे स्टोर ना हो जाए। तो यहां सिंपल लिखेंगे डू व्हाइल एस नॉट इक्वल टू ब्लैंक, या फिर जो भी आपकी वैल्यू है वो डाल दें। मैं वो भी दोनों दोनों करके बताता हूँ आपको। मैसेज MSG मैसेज देना चाहते हो तो मैसेज भी दे सकते हो, फिर मैसेज नहीं दे रहा हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे देखिए क्या कर रहा हूँ, नॉट इक्वल टू डू वाइल एस इज नॉट, अच्छा इसमें ये देना पड़ेगा इक्वल देना पड़ेगा, ठीक है आ गया। मैं इसको कैंसिल करूं, कैंसिल कर रहा हूं, देख रहे हैं मैं ओके कर रहा हूं, कैंसिल कर रहा हूं, यहां से कैंसिल कर रहा हूं, अपीयर हो रहा है क्योंकि हमने बोला है कि भाई तब तक लूप चलता रहा हो जब तक कि ब्लैंक एस इक्वल टू ब्लैंक है, क्योंकि वाइल लगाया है तो ये इंटरेंस पे वर्क करता है ना, एग्जिट पे वर्क नहीं करता है। हाँ जी, तो तब तक वर्क करता रहे जब तक कि ब्लैंक, जैसे इसमें हमने कुछ नंबर कुछ भी टाइप कर दिया, अब ओके कर रहा हूं तो मेरा हट गया। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, एस इक्वल टू जो है आपका एस इज नॉट इक्वल टू 1 आया। अब 540 डालता हूँ, नहीं हो रहा, समझ गए? जैसे हाँ जी, हाँ जी, 1 2 तो डालूंगा 1 2 डालेंगे तो हट जाएगा, क्लियर है? ऐसे में अगर डू वाइल के जगह पे डू लूप लगाता, डू अंटिल लगाता तो इसको उल्टा कंडीशन करना पड़ता, ये आप कर लेंगे? हाँ इक्वल इक्वल कर देंगे, डू अंटिल लगाएंगे तो। हाँ जी, तो ये समझ में आया कि आपको पता चल गया ना कि हम डू वाइल का लूप कब इस्तेमाल करेंगे, हाँ जी, और हाँ जी, वो चीजें डू वाइल से ही हो सकती है, किसी और से नहीं हो सकती है, राइट? हाँ जी, अब चलिए एक प्रोजेक्ट की बात करते हैं, एक लाइव एग्जांपल की बात करते हैं। तो लाइव एग्जांपल में मेरे डाउनलोड के अंदर में एक फोल्डर है एक्सेल का, दिख रहा है आपको? इसमें बहुत सारे फाइल्स हैं, मुझे इस फाइल की लिस्ट चाहिए, समझे? ओके, मुझे इस फाइल की लिस्ट चाहिए। एक फोल्डर में कितने नंबर ऑफ फाइल है मुझे पता होना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी टॉपिक है और इसका यूज आपके ऑफिशियल लाइफ में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको पूरी अच्छी तरह से समझिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर फाइल फोल्डर में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, कैसे पता चलेगा? हाँ जी, तो उसके लिए यहां पे हम करते हैं डिम आर एफ एन रहता हूं मैं, एफ एन एज ए स्ट्रिंग, फाइल नेम टेक्स्ट होते हैं, स्ट्रिंग हमने डाला, और यहां करते हैं एफ एन इक्वल टू, हमारे पास फंक्शन होता है DIR, डायरेक्टरी फंक्शन। डायरेक्टरी फंक्शन में आप जो है फाइल का पाथ दे दीजिए, हाँ जो भी फाइल नेम, जैसे मैंने इसका ए है नाम डाल दिया, ए कौन सा है, एक्सलेस एम, हाँ
और यहाँ पे डॉट एक्सएलएस एम, यहाँ पे फाइल का टाइप होता है कि फाइल का टाइप होना चाहिए। हमने बोला कि हिडन वगैरह नहीं लेना है, रिनोड वगैरह नहीं लेना है, नॉर्मल लेना है, तो नॉर्मल आ गया। नहीं, ये टाइप्स कौन कौन से होते हैं? ये नॉर्मल, हिडन, सिस्टम, अब कॉमा कीजिएगा ना लिस्ट आ जाएगा, रीड ओनली, बट हम लोग जनरली नॉर्मल ही लेते हैं। जैसे देखिए लाइन्स, आरशिप, डायरेक्टरी, हिडन, नॉर्मल, रीड ओनली, सिस्टम बोलिए, ठीक है। तो हम सिर्फ क्या लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं। तो ये क्या होगा जब रन होगा, एम एस जी बॉक्स एफ एन रन होगा, अगर ये फाइल एग्जिस्ट करता है तो एफ एन के ऊपर उस फाइल का नाम आ जाएगा। आ गया? ओके। तो एफ एन के ऊपर क्या आ जाएगा, उस फाइल के नेम आ जाएंगे। लेकिन यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं पता कि फाइल के नेम क्या है, या फिर नेम पूरा अधूरा पता है, समझे? तो यहां पे आप स्टार लगा दीजिए। हमने एक्सटेंशन पता है कि स्टार डॉट एक्सएलएस एम, मतलब कि एक्सएलएस एम के आगे कुछ भी हो सकता है, समझे? हाँ जी। या फिर आपको कुछ नाम पता है कि डेटा हो सकता है, डेटा के बाद कोई डेट हो सकता है, तो डेटा और फिर स्टार लगा दीजिए, समझे कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि आपके पास फाइल आता है, फाइल का नाम कुछ इस तरह से होता है कि डेटा और डेट होता है आपका, यहाँ पे देखिए, सॉरी, हमने यहाँ पे डेटा और 07092021 इस तरह का डेटा होता है। तो अब आपको जो सारे फाइल नेम नाम से सर्च करना, लेकिन आपको नहीं पता कि नाम एग्जैक्ट कौन सा डेट का है, तो इतना पता है कि डेटा होगा, तो आप क्या कर दीजिएगा, आप लिख दीजिएगा डेटा स्टार, कहाँ पे, यहाँ पे, इसके जगह पे क्या लिख देंगे, डेटा या स्टार, नहीं पहले डेटा लिखेंगे फिर स्टार लिखेंगे, तो क्या होगा कि वो देखेगा कि डेटा से आगे किस नाम के डेटा से आगे जो है डेटा, किस जिस फाइल नेम का सबसे स्टार्टिंग डेटा है उसका लिस्ट ले लेगा, उसका नाम ले लेगा और दे देगा आपको। बट यहां पे मैं कर रहा हूं स्टार डॉट एक्सएलएस और फिर स्टार। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे फाइल जो है एक्सएलएस एम भी है, एक्सएलएस भी है, एक्सएलएस एक्स भी है। ओके। तो हमने बोला Okay, जो चीज कंफर्म नहीं है उसके लिए हमने फाइल का नाम कंफर्म नहीं था, आगे स्टार लिया और फिर फाइल कौन सी है, बस हमें इतना पता है कि एक्सेल की फाइल है एक्सएलएस, उसमें होगा एक्सएलएस एम होगा फिर एक्सएलएस होगा, एक्सएलएस है फिर एक्सएलएस होगा, एक्सएलएस एक्स है फिर एक्सएलएस, तो होगा ही होगा। बट यहाँ पे एक दिक्कत और हो सकती है, क्योंकि फाइल का जो नाम आपका दिया है वो अभी एक्सएलएस की कई सारे फाइल हो सकती है। अब एफ एन जो है वो मेरा कोई ये तो नहीं है ना, कोई एरे तो नहीं है ना, ये सिंपल टेक्स्ट है, तो एक बार में एक ही नाम उठाएगा ना, तो क्या, तो यहां पे कैसे होगा कि रेंज 65,000 डॉट एन एक्सएलएस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल इक्वल टू एफ एन। तो अगर मैं इसको रन किया तो सिर्फ मुझे एक फाइल का नाम शो किया, दूसरा शो नहीं किया। अगर दूसरे फाइल का नाम शो करना है तो आपको यहां एफ एन इक्वल टू डी आई आर करना होगा और ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो अब सेकेंड टाइम जब क्या डी आई आर चलेगा तो क्या करेगा, एफ एन के ऊपर दूसरा फाइल लोड कर देगा, समझे? दो आगे ना, जब फिर आपको इसको तीसरा फाइल के लिए वापस चलाना पड़ेगा, इसको चौथे के लिए वापस, पांचवे के लिए वापस, इस तरह से चलाना होगा, तो सारे फाइल का लिस्ट यहां पे आपको दे देगा।
कि हमने एफ एन इक्वल टू खाली दिया यार। रीलोड करने के लिए। क्या हुआ कि जब डायरेक्टरी फंक्शन चला तो डायरेक्टरी फंक्शन अपने मेमोरी के अंदर में सारे फाइल लिस्ट को स्टोर कर लिया, बट वो वन टाइम में एक ही चीज देगा, वन टाइम में सिर्फ एक देगा। तो इसने एक दे दिया, वापस दूसरा नाम के लिए आपको वापस DIR से मांगना होगा। तो अगर fn इक्वल टू DIR1 दोबारा रन किया और इसके बीच में हम किसी तरह का पाथ नहीं दिए, तो उसके पास जो दूसरा फाइल होगा जिसको अभी तक दिया नहीं है वो fn को स्टोर कर देगा। फिर तीसरा बार चलेगा, अब जो देता है तो अपने लिस्ट से डिलीट कर देता है। जैसे fn जब फॉर्मूला रन हुआ, रन होने के बाद उसके पास मान लीजिए चार फाइलें आ गई, राइट, 1 2 3 4। तो क्या हुआ कि जब ये पहला बार इसने 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 यहां पे दिया, fn को दिया ना, रन हुआ, तो इसने चारों का लिस्ट रख लिया क्योंकि इसके अंदर क्या लगा है, पाथ लगा है। जब दूसरा बार दूसरा और इसने एक दिया तो एक यहां से अपना डिलीट कर दिया। जब दूसरा बार चला तो देखा है कि इसके पास पाथ नहीं है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो वो क्या करेगा, दूसरा फाइल को दे देगा, फिर उसी बात पे जाएगा, हाँ, और फिर इसको डिलीट कर देगा। पर तीसरा बार चला, तीसरा बार चलेगा तो इसके इसमें भी कोई पाथ नहीं है, तो इसको दे देगा और इसको डिलीट कर देगा। फिर चौथा बार इसको दे देगा और इसको डिलीट कर देगा। समझे? डिलीट कहां से करेगा? वो अपने बैकएंड के लिस्ट से, जो अपने बैकएंड में रख रखा है उसने। समझ गए? हाँ जी। तो प्रॉब्लम यह है कि मैं जितना बार मैं इस दो लाइनों का कोड आपको दिख रहा है ना, ये दो लाइन, अब इस दो लाइन के कोड को मैं जितना बार रन करूंगा मुझे उतना बार फाइल आएगी। मैंने 5 बार रन किया तो मेरे पास 5 फाइल आएगी, 10 बार रन करूंगा तो 10 फाइल आएगी। अब यही पे प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता है कि फोल्डर में कितने फाइल है। 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, और 5 भी हो सकता है। तो जैसे ही वो चलेगा और उसके पास कोई फाइल नहीं मिलेगी, fn के ऊपर ब्लैंक स्टोर कर देगा। जैसे 5 फाइलें थी ना, 5 बार में चला लिया, और छठा बार चलेगा तो छठा बार तो उसको फाइल है ही नहीं लिस्ट में उसके पास, क्योंकि सारे लिस्ट का फाइल वो दे चुका है। हाँ जी। तो उसके पास ब्लैंक करेगा तो क्या करेगा, वो ब्लैंक स्टोर कर देगा। तो यही पे हमारा कंडीशन बनता है कि जब fn पे ब्लैंक मिले तो क्या हो, लूप रन करे। तो हमने यहाँ पे कर दिया कि डू वाइल एफ एन नॉट इक्वल टू ब्लैंक और ये लूप। समझे? हाँ जी। अब मैं इसको यहां रन करता हूं। अब बोलेंगे सर ये डायरेक्टिव क्यों नहीं यूज किया, तो हमने बोला कि अगर इस डायरेक्टिव फंक्शन के बीच में अगर ये आ जाता है, पाथ आ जाता है, तो क्या होगा, वो फिर पुराने जो लिस्ट था उसको डिलीट करके और नई लिस्ट को अपडेट कर लेगा। तो लूप में हमें इस फॉर्मूले को पाथ फॉर्मूला विद पाथ को रन नहीं करना है, इसको जस्ट एक बार रन करना है। ओके, समझ गया है? आपके लिए समझ में आया? ओके, तो हमने एक बार ऊपर पाथ दे दिया, उसके बाद जब उसी फोल्डर में जा रहे हैं तो हम सिर्फ डायरेक्टरी एंड जी मतलब पूरा पाथ देने की जरूरत। जी, तो इससे फायदा होगा कि आप जिस टाइप के फाइल को अगर आप चाहते हैं उसका पूरा का पूरा लिस्ट विद एक्सटेंशन, आप दिख रहा है आपको ना, पाथ नहीं आएगा इसमें, पाथ नहीं आएगा, फाइल नेम विद एक्सटेंशन यहां पे उठा के दे देगा। अब आपको इसी में एक प्रोजेक्ट करना है जो कि मैंने बताया जिसमें मैं बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूंगा। आपको याद होगा मैंने आपको एक कॉपी पेस्ट करने वाला डेटा कुलेट करने वाला प्रोजेक्ट बताया था जब हम रेंज पढ़ रहे थे तब। हाँ जी। जिसमें हमने बताया था कि एक फाइल के अंदर, एक फाइल में अगर 10 सीट है तो 10 सीट का डेटा कॉपी पेस्ट कर देता है एक के नीचे के नीचे। हाँ जी, हाँ जी। अब आपको उसको रेफरेंस में लेते हुए और इस डायरेक्टिव फंक्शन वाली चीज को रेफरेंस में लेते हुए आपको क्या करना है, एक माइक्रो बनाना है कि एक फोल्डर में अगर 10 फाइल है तो 10 फाइल का डेटा एक अलग फाइल पे एक के नीचे कॉपी पेस्ट कर देगा। ओके, अलग फाइल में। हाँ, अलग अलग फाइल में। हमें एग्जांपल तो दिया था उस समय था कि एक ही सीट के थे ना, अब क्या है कि मेरे पास एक हर मेरे पास 10 फाइलें हैं और 10 फाइलों के अंदर एक एक सीट है। आपको क्या करना है,
कि आपको सबसे पहले फाइल फोल्डर में जितने नंबर ऑफ फाइल है उसका लिस्ट लेना है जो कि आपको एडीआईआर दे देगा, फिर उसको वन बाय वन ओपन करवाना है, कॉपी करवाना है और डेटा शीट पे पेस्ट करवाना है। समझ गया? नहीं तो उसमें सारी शीट्स नहीं नहीं समझ गया, बात नहीं समझ पा रहे। आप सिंपल सीधा समझिए, आपके पास एक फोल्डर है। हाँ जी। मान लीजिए ना आपको हर दिन एक मेल आता है जिसमें आपका सेल्स का डेटा होता है, एक फाइल आया सेल एक जनवरी एक सितंबर, राइट? आप क्या करते हो कि उस फाइल को कॉपी करते हो और एक फोल्डर में जाकर पेस्ट करते हो, ठीक है? क्योंकि आपको उस सारे डेटा की जरूरत कब पड़ती है? महीने के लास्ट में। आपको हर दिन सेल का डेटा आता है, आप क्या करते हो उस फाइल को पेस्ट करके एक शीट में जाकर एक फोल्डर में जाकर पेस्ट कर देते हो। अब महीने के लास्ट दिन 31 तारीख को या 30 तारीख को आपको जरूरत पड़ गई, अब सारे फाइल को जो डेटा है उसको एक के नीचे पेस्ट करके पूरा मंथ का सेल्स डेटा बनाना है ताकि उस पे आप अपना एनालिसिस कर सके, अपना डैशबोर्ड बना सके, अपना रिपोर्ट बना सके। क्योंकि आपके पास तो डेटा है 30 दिन का, बस 30 अलग अलग फाइल में, 30 अलग अलग फाइल में होने के कारण आप किसी प्रोडक्ट का मंथली सेल नहीं निकाल सकते। आप उस प्रोडक्ट का मंथली सेल निकालने के लिए क्या करना होगा, 30 दिन का डेटा को एक सीट पर रखना होगा, तब जाके पिवट और बाकी चीजें फॉर्मूले वगैरह लगा पाएंगे। बात समझ में आया आपको? हाँ जी, हाँ जी। तो आपका काम क्या है कि 30 दिन का जो फाइल है उसको एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है। इसके लिए आपको एक प्रोग्राम लिखना है और 30 फाइल जो है एक फोल्डर में पड़ा हुआ है आपका। ओके। अगर आप ऐसा ना करते हैं तो आपको क्या करना होगा, हर दिन फाइल आए आपको हर दिन डेटा को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा एक के नीचे, या एक दिन करना पड़ेगा कॉपी एक के नीचे। अब 31 फाइल को मैनुअली कॉपी पेस्ट करेंगे तो हो सकता है कोई फाइल दो बार रिपीट हो जाए या हो सकता है कोई फाइल छूट जाए, और टाइम तो देने दो घंटे से ऊपर लगेगा ही लगेगा आपको। तो आपको एक ऑटोमेशन करना है ताकि आपके एक क्लिक करने पर विद इन सेकेंड में 31 फाइल हो या 100 फाइल हो या 363 फाइल हो उसका डेटा एक के नीचे कॉपी पेस्ट। ओके ओके तो ये